हम वृषभ राशि वालों की बात करें तो आज वो कैसे मनाएं भगवान श्री कृष्ण को, क्या भोग लगाएं, कैसे पूजन करें, क्या है विधि? भगवान श्री कृष्ण की भी जन्म राशि वृषभ राशि थी। आज वृषभ राशि के जातकों के लिए एक दुर्लभ संयोग है। आज भी वृषभ राशि का चंद्रमा रहेगा और वृषभ राशि के चंद्रमा में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी होता है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, यदि आपकी वृषभ राशि है तो आज आप भगवान श्री कृष्ण को रसगुल्ले का भोग लगाएं। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष गं शिष्णौ द्यौ समवर्ततः पदभ्याम भूमिर दिशः श्रोता तथा लोकान अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। तो रसगुल्ले का भोग लगाएं और केला और नाशपाती और सूखा मेवा तुलसी के पत्ते के साथ भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने प्रस्तुत करें। पुरुषोक्त ओम सहस्र शिरसा पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपाद शभूमि गं सर्वतः स्पृत्वा तेतिष्ठ दशांगुलम पुरुषाय वेद सर्व यद भूतम यच्च भाव्यम उतामृत शेषानो जदनिन्नातिरोहति। कहने का तात्पर्य यह है, पुरुष सूक्त के 16 मंत्र हमारे सामवेद में हैं। इन 16 मंत्रों का जो लोग उच्चारण करते हुए जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का पूजन करते हैं, निश्चित रूप से उनके जन्म जन्मांतर की कामनाएं साकार होती हैं, इसमें जरा सा भी संदेह नहीं करना चाहिए। पूजा के बाद भगवान श्री कृष्ण को मोरपंख जरूर समर्पित करना चाहिए। ओम गोविंदाय नमः, इस मंत्र का यथा संभव आज जप करना चाहिए। जो लोग आज भगवान श्री कृष्ण का मंत्र ओम गोविंदाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के बालक स्वरूप का ध्यान करते हैं, निश्चित रूप से उनके मन में भक्ति की रसधारा सदैव प्रवाहित होती रहती है, इसमें संदेह नहीं।